हेलो गाइस, मैं हूं एनिमेशन। आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू लेके आया हूं वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वेइंग स्केल, जो आपको 500 रुपए के नीचे मिल जाता है ऑनलाइन। एंड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मल्टीपर्पज यूज़ है इसका। अगर आप एक शॉपकीपर हो, या फिर अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए किचन में रखने के लिए लेना चाहते हो, या फिर अगर आप अपने लेबोरेटरी में रखना चाहते हो, कहीं भी यूज़ करना चाहते हो ना, किसी भी प्रोफेशनल या पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट मशीन हो सकता है। आज किस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, इस तरीके के बॉक्स में ये आता है। इसे मैंने ऑनलाइन परचेज किया है 450 रुपए में। ऊपर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पैक्ट स्केल लिखा हुआ है, यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग किचन, ऑफिसेज, वेयरहाउसेस, लेबोरेटरीज एंड इंडस्ट्रीज। तो इसको आपको जहां भी यूज करना है ना, आप यूज कर सकते हो। अगर आप किचन में रखना चाहते हो, लैब में रखना चाहते हो, इंडस्ट्री में रखना चाहते हो, अपनी दुकान पर रखना चाहते हो, तो आप इसे रख सकते हो। इस तरीके का कुछ है, फुल ये व्हाइट कलर में आया हुआ है। एंड बॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हो मेड इन इंडिया का आपको यहाँ पे लोगो एंड यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। तो ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छी चीज़ है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं है। एंड राइट साइड पे कुछ यहाँ पे ग्राम्स वाले डिटेल्स मेंशनड है, लेफ्ट साइड में भी कुछ यहाँ फ्रेजाइल वाला आपको यहाँ पे आइकन देखने को मिलता है। एंड पीछे साइड में आपको यहाँ पे ना कुछ फोटोज मिल जाते हैं, लाइक किचन इंडस्ट्रीज़ का, लेबोरेटरीज़ का एंड ऑफिसेज़ का। तो इन जगह पे आप इसे यूज कर सकते हो। बॉक्स के पीछे आ जाए ना, तो यहाँ पे फीचर्स मेंशन्ड है, लाइक ऑटो शट ऑफ का फीचर इसके अंदर आपको दिया गया है। कुछ देर अगर आप यूज करोगे, नहीं यूज करोगे, तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा आपका बैटरी सेव करने के लिए। आउटसाइड कैलिब्रेशन का ऑप्शन मिलता है, ऑटो जीरो ट्रैकिंग ऑप्शन है, ऑटो बैकलाइट का ऑप्शन है। आप इसमें लाइट भी चला सकते हो, तो अगर आप अंधेरे में या फिर रात में अगर आप वेट कर रहे हो किसी चीज को, तो आपको इसमें लाइट देखने को मिल जाता है। लो बैटरी इंडिकेशन है, किलोग्राम में, एलबी में, ओजेड में, ग्राम्स में, इसमें आप इसमें वेट कर सकते हो। लार्ज एलसीडी, 5 digits 20 mm हाइट, तो इसमें आपको बड़ा एक एलसीडी स्क्रीन देखने को मिलता है, जिसमें आपको 5 digit तक का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लार्ज स्क्वायर साइज का आपको वेइंग पैन मिल जाता है, नेटवेट स्टेबिलिटी इंडिकेशन, तो बहुत सारी चीजें हैं। नीचे प्राइस मेंशन है 1699 रुपए, बट मैंने खरीदा इसे 500 रुपए के नीचे। यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलता है स्पेसिफिकेशंस, और लाइक प्लेटर है 155x155 mm का और 40x580 ग्राम, तो इसका ना 550 ग्राम के अराउंड इस मशीन का वेट है। पैकेज कंटेंट क्या क्या मिल जाएंगे आपको देख लो, ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड पावर सोर्स इस तरीके से ये है। ये ना आपका बैटरी से भी ऑपरेट होता है, दो बैटरी लग जाती है इसके अंदर, डबल ए बैटरीज लग जाते हैं, या फिर अगर आप एसी डीसी के साथ चलाना चाहते हो, तो इसके साथ एक अडेप्टर भी आता है 9 volts का, 100 mAh का, उसके साथ भी आप यूज कर सकते हो। और नीचे यहाँ पे डायमेंशन आपको दिया गया है प्रोडक्ट का। तो गाइस, ये था इस बॉक्स का ओवरव्यू। चलो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, देख लेते हैं हमें बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिल जाता है। इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा, तो हमारा आप अंदर देख सकते हो क्या क्या रखा हुआ है। एक आपको मिल जाता है यहाँ पे 9 volts का अडेप्टर, एंड ये मोटे पिन वाला है, इससे आप इस मशीन को इलेक्ट्रिसिटी से चला सकते हो डायरेक्टली। एंड अगर आप बैटरी से चलाना चाहो, तो आपको इसके साथ दो बैटरीज भी मिलती है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा ना इन बैटरीज को ज्यादा दिन यूज मत करना, क्योंकि ये लीक कर जाती है, काफी खराब क्वालिटी का बैटरी रहता है। तो आप एवरेडी या जिसका भी लगाना चाहो लगा सकते हो। तो मिलता है हमें क्या, अडेप्टर, तो बैटरीज एंड हमारा मेन मशीन यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मशीन एक प्लास्टिक रैप में है, एंड यहाँ पे एक और हमें यूजर मैनुअल मिल जाता है। तो अगर आप यूजर मैनुअल को पढ़ना चाहोगे ना, तो पढ़ लेना कैसे कैलिब्रेशन करना है, क्या क्या मोड्स मिल जाते हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या है, ऑपरेशन क्या है, एंड कैसे आपको यूज करना है, सारी कुछ आपको इसमें पता चल जाएगा अगर आपको डाउट होता है तो, वरना इस वीडियो को देख लो, मैं तो आपको पूरा बता ही दूंगा। चलो बॉक्स को करते हैं साइड एंड आते हैं हमारे मशीन पर। ये रहा गाइस हमारा मशीन कुछ इस तरीके से, प्लास्टिक में बस पैक किया हुआ है। इसे निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाइट कलर का है। एंड बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की ना, तो ये फुल प्लास्टिक बिल्ड है। सबसे पहले मशीन के फिजिकल ओवरव्यू पे आते हैं। यहाँ पे आपको एक स्क्वायर सा वेइंग पैन मिल जाता है, इसी के ऊपर कोई भी सामान आपको रख करके वेट करना है। एंड आप साइज देख सकते हो, काफी बड़े साइज का, मेरे हाथ से बड़ा है ये। एंड यहाँ पे ना आपको एक अलग से कंट्रोल पैनल मिल जाता है, जिसमें आपको एक LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसका मॉडल नंबर है SF400A, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पैक्ट स्केल। एंड यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, मोड का बटन है, टेयर का बटन है, PCS का बटन है एंड लाइट का बटन है। तो इतने सारे आपको यहाँ पे बटन मिल जाते हैं। राइट साइड की ओर आप देख सकते हो यहाँ पे 9 वोल्ट्स का कनेक्टर का आपको यहाँ पे पिन मिल जाता है। लेफ्ट साइड पे बॉडी बिल्कुल प्लेन है, नीचे एंड ऊपर भी बिल्कुल प्लेन है। एंड बैक साइड पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एक स्टिकर चिपका हुआ है, डिजिटल स्केल, ऑटो जीरो रीसेटिंग, ऑटो पावर ऑफ एंड मोड फंक्शन। तो इसके अंदर आपको ये सारे फंक्शंस मिलते हैं। 1.5 वोल्ट का 2AA बैटरी यहाँ पे लग जाता है, जो आप घड़ियों पे लगाते हो। इसके अंदर ना आपको बैटरी कहाँ लगाना है, ये जो मेड इन इंडिया का आपको पैनल दिया गया है, इसे जैसे आप ओपन करोगे, तो इसके अंदर आपको दो बैटरीज लगाने का एक स्लॉट दिया गया है, इसी के अंदर आपको ये बैटरीज को लगाना है। तो अगर आप चाहोगे तो बैटरी से भी इसे चला सकते हो, और अगर आप चाहोगे डायरेक्टली इसे इलेक्ट्रिसिटी से चलाना, तो ये भी चला सकते हो। तो काफ़ी यही इसको स्पेशल बनाता है। अदरवाइज और मशीन जो आते हैं इस रेंज में, उनमें ना बस बैटरी से ऑपरेट होता है, तो आपको बार बार नया बैटरी खरीदते रहना पड़ता है, जो बहुत पैसे लग जाते हैं।
जाते हैं, इसलिए इसमें अडेप्टर वाला सिस्टम है, डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके चलाओ। और एक अच्छी चीज़ क्या है ना, जब आप इसे बैटरी चलाओगे एंड अगर आपका बैटरी डाउन हो जाता है ना, तो आपको रीडिंग में ना डिफरेंस देखने को मिल सकता है। एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलता है इन मशीन्स पर, लेकिन अगर आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी से चलाओगे तो आपको हमेशा एक्यूरेट रीडिंग मिलेगा। इसीलिए अगर आपको बैटरी से चलाना है तो ध्यान देना कि अच्छे क्वालिटी का बैटरी लगाओ और बैटरी को टाइम टू टाइम चेंज करते रहना, वरना आप इसे डायरेक्टली 9 वोल्ट्स वाले अडेप्टर से भी चला सकते हो। तो गाइस देख सकते हो ये बैटरी को मैं फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं लग रहा है क्योंकि ये बहुत ख़राब बैटरी है। मैं इसको हटाता हूँ, चलो मैं आपको डायरेक्टली इससे इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ करके दिखाता हूँ। चलो निकाल लेते हैं हमारे पैकेट से इसको, एंड हमारा यहाँ पे अडेप्टर देखो ये रहा। तो चलो इसे डायरेक्टली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, मैं आपको यहाँ पे इसे चला करके दिखाता हूँ। आपको इसके अंदर अच्छी खासी वायर की लेंथ भी देखने को मिलती है। तो चलो इसको यहाँ पे लगा देंगे सिंपल इस पोर्ट पे, ये रहा कनेक्ट हो गया। एंड इसे लगाना है इलेक्ट्रिसिटी पे एंड यहाँ पे लाइट जलने लगेगा। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जीरो रीडिंग शो कर रहा है, मशीन ऑन है। बंद करना चाहोगे सिर्फ ऑफ कर देना तो ये बंद हो जाएगा। तो चलो इसे इस तरीके से ऑन करते हैं, इसमें आपको लाइट जल रहा है देखो ब्लू कलर का। एंड यहाँ पे अब आपको बहुत सारे बटन्स मिलते हैं, लाइक मोड का बटन है तो यहाँ पे OZ पे ये आ चुका है। फिर अगर मोड दबाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो LB में ये वेट करेगा, फिर यहाँ पे करूँगा तो ये KG में वेट करेगा। तो आपको जब भी वेट करना है आप अपने नीड्स के हिसाब से सेट कर लेना। तो मैं KG में करने वाला हूँ, तो चलो KG पे लेके आ चुका हूँ। एंड यहाँ पे आपको टेयर का बटन है, क्या फंक्शन है इसका मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो चलो इस पे ना किसी भी चीज़ को वेट करके देखते हैं, देखते हैं कितना रीडिंग आता है। देखो मैं हाथ से प्रेशर डाल रहा हूँ, 6-7-8 किलो भाई, काफ़ी ज़्यादा मैं प्रेशर डाल पा रहा था। तो चलो इस पे कुछ चीज़ें रखते हैं, देखते हैं कितना रीडिंग ये देता है। सो गाइस आप देख सकते हो मेरे पास एक न्यू यहाँ पे चारकोल मास्क है एंड सील्ड है पूरा, 100 ग्राम्स इसका वेट है। चलो देख लेते हैं इसका वेट यहाँ कितना शो करता है, 115 ग्राम्स। तो इसके अंदर का जो मटेरियल है वो 100 ग्राम्स है, इस ट्यूब का वेट आराम से 15 ग्राम जितना होगा। तो इसका रीडिंग हमने देख लिया। चलो इसके ऊपर और भी कुछ चीज़ें रखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये पतंजलि का एक सुपर एक बर्तन धोने वाला साबुन है, एंड इसका वेट का चलो कर लेते हैं 160 ग्राम्स यहाँ पे आप देख सकते हो। चलो इसको रखते हैं, देखते हैं कितना ग्राम यहाँ पे ये शो कर रहा है, एक्यूरेटली 160 ग्राम। तो 160 ग्राम एक्यूरेट यहाँ पे बिल्कुल आपको रीडिंग देखने को मिल रहा है। ये जो आपका मशीन है ना 1 ग्राम टू 10 kgs तक वेट करता है। तो इसमें अभी और भी कुछ कुछ चीज़ें रखते हैं, चलो और देखते हैं कितना वेट आता है। तो गाइस मैं किचन से जा करके ये चीज़ें लेकर के आ चुका हूँ, आप लोगों के लिए एक्यूरेटली मेजर करके दिखाने वाला हूँ कितना रीडिंग आता है। सो गाइस देख सकते हो गुड लाइफ का काला ये गोलकी है, एंड इसका वेट मैं आपको दिखा दूँ 50 ग्राम्स का है। चलो वेट करते हैं, देखते हैं कितना वेट इसका आता है। तो देखो गाइस 53 ग्राम्स आ रहा है, 50 ग्राम इसके अंदर मटेरियल होगा एंड 3 ग्राम पैकेट का होगा। चलो मैं आपको काट करके निकाल करके दिखाता हूँ पैकेट का कितना वेट है। एक प्लास्टिक में लेकर के आ चुका हूँ, इसमें मैं डाल दूंगा सारे चीज़ों को निकाल करके, ताकि आपको मैं पैकेट का वेट दिखा पाऊँ कितना यहाँ पे वेट आता है इसका। जो इसके अंदर का मटेरियल है सब इसके अंदर डाल देता हूँ, ये रहा इसको हटा देता हूँ। तो देखो हमारा पैकेट बिल्कुल खाली हो चुका है, झाड़ लेते हैं इसे। तो हमारा पैकेट है एंड इसे एक बार ज़ीरो कर देंगे। तो पैकेट में हमारा जो गोलकी था ब्लैक पेपर जो था वो 50 ग्राम्स का आ रहा था, एंड 3 ग्राम एक्स्ट्रा दिखा रहा था 53 ग्राम। तो इस पैकेट का वेट 3 ग्राम्स होना चाहिए, चलो देख लेते हैं। देखो 2 ग्राम, मतलब ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे सेम रीडिंग देखने को मिलता है, 2 ग्राम 3 ग्राम का ये पैकेट है। तो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आ रहा था। देखो इसके अंदर है ये अजवाइन 100 ग्राम्स का है, चलो देखते हैं ये भी 100 से ज़्यादा होना चाहिए, 102 ग्राम्स। तो इसका भी जो पैकेट है ये भी 2 ग्राम का होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं ये है मेथी, ये भी 100 ग्राम्स का है, चलो इसको भी देख लेते हैं, अच्छे से रख लेते हैं 101 ग्राम। तो ये मशीन जो है ना हमारा बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है। इसी तरीके से मेरे ये फ़ोन का ये बैक कवर है, चलो दिखाता हूँ इसका कितना वेट है, नाप लेते हैं, 61 ग्राम्स का ये कवर का वेट है। जैसा कि मैंने आपको बताया मोड से आप अलग अलग यहाँ पे यूनिट्स में जा सकते हो, KG, G में, फिर यहाँ पे OZ है, फिर यहाँ पे LB है। तो इस तरीके से ना आप यहाँ पे अलग अलग में जा सकते हो। फिर आपको ना लाइट बंद करना है तो लाइट बंद करके आप यहाँ से बंद कर सकते हो। यहाँ पे आपको ना एक टेयर का बटन दिखता है, अब मैं वो आपको बताता हूँ क्या है। गाइस जैसे कि अगर आप एक शॉपकीपर हो, अगर आपका दुकान है, तो अगर आप कोई चीज़ को खुला में मान लो बेचते हो, तो आपको इस तरीके से कुछ प्लेट या कोई चीज़ रखना पड़ता है किसी चीज़ के लिए। तो जैसे मैंने इसे रख दिया, तो हमारा इसका वेट है ना 127 ग्राम। अगर अब हमें किसी को कोई चीज़ देना है तो अगर आप इसे दे दोगे तब तो आपका ये इंक्लूड हो जाएगा ना प्लेट का वेट, इसलिए क्या करना पड़ता है ना आपको इसे हटा देना है।
इसका 127 ग्राम आ रहा है। अब आपको बस टेयर पे क्लिक कर देना है। टेयर पे जैसे आप क्लिक कर दोगे अब जीरो हो गया, यानी कि अब इस प्लेट का वेट बिल्कुल जीरो हो गया है। अब जो आप इस पे सामान रखोगे उसका आपको रीडिंग यहाँ पे मिलने वाला है। लाइक ये 102 ग्राम का था हमारा अजवाइन, चलो इसको रखते हैं देखते हैं कितना आ रहा है। देखो 102.3 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आ रहा है। ये हमारा जो साबुन था 160 ग्राम का था, चलो देखते हैं कितना आ रहा है, 160 ग्राम का है। ये हमारा जो एक पील ऑफ मास्क था, इसका भी 100 ग्राम वेट था, चलो देखते हैं कितना आ रहा है, 114 आ रहा है, क्योंकि इसका ट्यूब का भी वेट है 14 ग्राम का। इस तरीके से आप इसमें वेट कर सकते हो। इसका 61 ग्राम वेट था, चलो इसको रखते हैं 61 ग्राम। तो जैसे कि आप कुछ भी रखना चाहोगे ना, तो जैसे कि इस प्लेट को मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो ये ना माइनस हो जा रहा है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे कुछ भी रखना है, जैसे बास्केट रखना है आपको, कटोरी रखना है आपको, प्लेट रखना है, तो कुछ भी चीज़ यहाँ पे आप रखोगे तो आपको ना इसको माइनस करने के लिए बस आपको टेयर बटन को क्लिक कर देना है, तो ये माइनस हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ रखोगे तो उस प्रोडक्ट का वेट आएगा, इस प्लेट का वेट नहीं आएगा। जैसे देखो 160 ग्राम का था, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार, अगर आपने ध्यान नहीं दिया 160 ग्राम, चलो देखते हैं 160 ग्राम। तो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग ये दे रहा है, सच में काफ़ी अमेजिंग ये मशीन है। सो गाइज, आपने देखा ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वेइंग स्केल कितना अमेजिंग है एंड कितना एक्यूरेट रीडिंग देता है। 100% आपको एक्यूरेसी देखने को मिलता है। कोई भी चीज़ अगर आप इसमें एक्यूरेटली वेट करोगे ना तो बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग मिलेगा। अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हो, किचन में रखना चाहते हो, अगर आप केक बना रहे हो सपोज, तो आपको कितने पाउंड्स कितने ग्राम्स का आपको केक बनाना है उस तरीके से आप वेट करके यहाँ पे बना सकते हो। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ दी गई कि 1 ग्राम से 10 kg तक का ये वेट करता है। तो अगर आप 2-3 ग्राम, 1 ग्राम 2-3 ग्राम का भी अगर मसाला वसाला भी डालोगे ना किचन में इसमें वेट करने के लिए, अगर आपकी मम्मी कुछ मान लो अचार बना रही है, पिकल बना रही है, तो उसमें एक्यूरेटली कितना इंग्रेडिएंट्स डालना है ना, तो इसमें वेट कर करके आप डाल सकते हो। तो इसको आप प्रोफेशनल यूज़ के लिए तो खरीद ही सकते हो, साथ ही साथ अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी ले सकते हो। तो गाइस, अगर आपको इस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्केल का वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कर देना। अगर आप परचेज करना चाहते हो ना, तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो के कमेंट में मिल जाएगा, पिन कर दूंगा, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इसे परचेज कर सकते हो। अपने लिए भी खरीद सकते हो या किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। बहुत ही सही सा ये प्राइस में आता है, 500 रुपीज के अंदर आपको मिल जाएगा। कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, शेयर करना इस वीडियो को, एंड जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना इस तरीके के इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज देखते रहने के लिए। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।